ठीक है भैया, सबको गुड इवनिंग। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, और चैप्टर का नाम है यूरिया। ऑलरेडी यूरिया के बारे में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लोग यूरिया के बारे में जनरली डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यूरिया आपका एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो होता है 46%। और यूरिया को किंग ऑफ फर्टिलाइजर के नाम से भी बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा यूरिया का ही प्रयोग किया जाता है, अगर डेटा पूछे तो 75-80%। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट है रोनी ले, इन्होंने यूरिन से, एनिमल का जो यूरिन होता है, पशु का जो मूत्र होता है, सबसे पहले यूरिया को वहाँ से इन्होंने आइसोलेट किया, और उसको जो आइसोलेट किया और उसको नाम दिया यूरिया। पर साइंटिफिकली अगर देखा जाए एक लेबोरेटरी में, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऑयलर का, है ना, 1828 में ऑयलर ने इसे क्या किया था, लेबोरेटरी में आइसोलेट किया था, है ना, जो प्रथम कार्बनिक यौगिक हुआ और इसे प्रयोगशाला में बनाया गया। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले यूरिया को किसने आइसोलेट किया था लेबोरेटरी में, तो बताना है आपको ऑयलर, और एनिमल के यूरिन से बनाया, तो वो बनाया था आपका रोलिने ने। यूरिया एक आपका डायमाइट अम्ल का कार्बनिक अम्ल होता है जिसे हम कार्बेमाइट के नाम से भी जानते हैं। यूरिया का फॉर्मूला कार्बनिक अम्ल दे रखा है, मोनोएमाइट और डायमाइट, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। यूरिया को कैसे बनाया जाता है, ऑलरेडी यूरिया के बारे में हम लोग पहले केमिकल फर्टिलाइजर में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर यूरिया के बारे में हम लोग, इसको यूरिया को कैसे बनाया जाता है। अब आपकी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑयलर विधि में यूरिया को किससे बनाया जाता है, है ना, तो सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड दे रखी है जिसने ऑयलर विधि, जिसमें साइंटिस्ट थे आपके ऑयलर, इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया को बनाया था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO, जो आपको ये त्रिभुज का आकार का दिख रहा है, इसका मतलब होता है इसको हीट किया, गर्म किया, और NH2CONH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2। तो एग्जाम में क्वेश्चन बस यही पूछेगा, रिएक्शन नहीं पूछेगा कि ऑयलर विधि से यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है, तो हमको आंसर देना अमोनियम साइनेट। फास्जीन से, तो फास्जीन अमोनिया से अभिकृत होकर यूरिया बनती है, आप इसको देख लीजिएगा। डाई एथिल कार्बोनेट से, तो यूरिया को किस किस से बनाया जाता है ये आपके सामने दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट था वो आपका ऑयलर विधि वाला, वो आपको याद रखना है। अब अगर आपको औद्योगिक इंडस्ट्रियल मेथड का हम बात करें, है ना, कि बड़े स्तर पर जो बनाया जाता है, भाई लेबोरेटरी में बनाना अलग होता है, बड़े स्तर पर जो कारखाने होते हैं वहाँ की हम लोग बात करते हैं, तो कैल्शियम साइनामाइड के जल अम्लीय जल अपघटन द्वारा, ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैल्शियम साइनामाइड का एक जलीय अपघटन होता है, और इससे बाद में क्या बनता है, यूरिया बनता है। कैल्शियम लवण सहउत्पाद के रूप में बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर औद्योगिक विधि की पूछे तो हमें क्या बताना है, कैल्शियम साइनामाइड से बनता है शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा एक और चीज़ से बनता है आपका अमोनिया से, अमोनिया मतलब NH3, है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अमोनिया, तो NH3 और CO2 के रिएक्शन से हमें भी यूरिया मिलता है। सबसे पहले आपका अमोनियम कार्बोमेट बनता है, और अमोनियम कार्बोमेट को, अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र दे रखा है, फॉर्मूला है यहाँ पर NH2CONH4, और जब इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, है ना, 170-190 डिग्री सेल्सियस पे, और 160-220 डिग्री मतलब प्रेशर पे जब करते हैं, तो यहाँ से हमें यूरिया प्राप्त होता है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर औद्योगिक विधि की हम लोग बात करेंगे तो अमोनिया को, जो अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिलाकर क्या बनता है, यूरिया बनता है। यूरिन से बात करते हैं, तो यूरिन में क्या होता है कि जो एनिमल का यूरिन होता है ना, उसमें 2-4% आपकी यूरिया प्रेजेंट होती है, इसको वहाँ पर वाष्पित करके सांद्रित किया जाता है, और वहाँ पर इसमें आपका NH3 HNO3 मिलाते हैं, और लास्ट में इसको गर्म करते हैं, तो हमें BaCO3 मिलाकर गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, यूरिया बनता है। पर इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसका ऊपर वाला जो आपका औद्योगिक विधि में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, इसको याद रखना है, और कैल्शियम साइनामाइड से, और एक आपका ऑयलर विधि से, तीन इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो देखें, यूरिया एक सफ़ेद तरह का क्रिस्टली पदार्थ होता है, आप ऊपर डायग्राम में आप देख चुके होंगे, इसका जो गलनांक टेम्परेचर होता है, या ना 132.7 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यूरिया दुर्बल क्षारीय है, परंतु इसका जलीय विलयन लगभग उदासीन होता है, तथा इसका प्रभाव जो होता है सॉइल में अम्ली होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका जो प्रभाव होता है अम्ली होता है। केमिकल फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो केमिकल फर्टिलाइजर में आपका, सॉरी, रासायनिक गुण की हम लोग बात करें, तो रासायनिक गुण में आपका दे रखा है, अब इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो दे रखा है क्षारीय व्यवहार, इसका क्षारीय व्यवहार कैसा होता है कि यूरिया क्या होता है कि अम्लों के साथ लवण बनाता है,
ठीक है भैया। लवण मतलब क्या है? सॉल्ट। अब जैसे इसमें दे रखा है नाइट्रिक अम्ल के साथ यूरिया नाइट्रेट को का सफ़ेद अवक्षेप और ऑक्सलिक अम्ल के साथ यूरिया ऑक्सलेट का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, है ना। तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए इसका जो बेसिक नेचर क्या होता है ना, वो आपका यूरिया ऑक्सलेट का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन आप देख लीजिएगा। सेकंड दे रखा जल अपघटन। जल अपघटन की बात करेंगे हम हाइड्रोलिसिस में, तो यूरिया अम्लो क्षारों से जल अपघटित हो जाता है और लास्ट में अमोनिया गैस बनती है ना। ये अमोनिया गलत दे रखा है, या अमोनिया होगा, है ना, अमोनिया गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको किससे क्या बनता है ये याद रखना पड़ेगा। थर्ड दे रखा है ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव की हम लोग बात करते हैं कि जो आपका टेम्परेचर का जो इफेक्ट है कि यूरिया को धीरे धीरे गर्म करने पर संघनन अभिक्रिया के फलस्वरूप बायूरेट बनता है। हम बायूरेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं। यूरिया का फॉर्मूला Na2CO2। बायूरेट कैसे बनता है भैया, कि जब यूरिया के दो मोलिकुल्स, मतलब देखिए वहाँ दे रखा है टू मतलब दो, है ना, यूरिया के दो मोलिकुल्स जब बनते हैं और तो लास्ट में आपका बायूरेट बनता है। बायूरेट क्रॉप के लिए और सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। बायूरेट की जो मात्रा होती है 1.2, कभी कभार एक डेढ़ से दो भी बताते हैं, पर एक एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 1.2% बायूरेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बायूरेट टेस्ट क्या होता है, बायूरेट टेस्ट के बाद हम लोग पहले बात कर लेते हैं। बायूरेट के जली विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद कॉपर सल्फेट की एक बूंद मिलाने पर बैंगनी रंग आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वायलेट कलर जो मिलता है, तो बायूरेट टेस्ट जो होता है उसमें कौन सा रंग दिखता है भैया, तो बैंगनी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नोट करके यहाँ कुछ दे रखा है तो वो हम लोग देखते हैं। पहले यदि यूरिया को शीघ्रता से गर्म किया जाए तो साइनिक अम्ल बनता है और साइनुलिक अम्ल से बहुकलीकृत हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इतना डिटेल्स में आपको जाना नहीं है, ठीक है। ये बहुलीकरण का याद होना चाहिए कि बहुलीकरण की क्रिया जब होती है तो क्या बनता है, साइनुरिक अम्ल बनता है, ठीक है, इतना याद रखें। फोर्थ है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल में क्या होता है भैया, कि यूरिया जब होता है नाइट्रस अम्ल के साथ मिलता है ना, तो N2 गैस को मुक्त करता है, मतलब उसको रिलीज करता है, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ है आपका क्षारीय सोडियम हाइपोब्रोमाइट से। अब यूरिया की सोडियम जो हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सोडियम हाइपोब्रोमाइट की अधिकता से अभिक्रिया जब रिएक्शंस कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये रिएक्शन आपके सामने है, Na2CO2 प्लस 2NOH प्लस 3NaOBr। जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से N2 गैस बाहर हो जाती है और आपको Na2CO3 मिल जाता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से यही पूछेगा कि जब यूरिया में हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो हमें वहाँ बताना पड़ेगा सेमी कार्बोजाइड बनता है ना, हमें यही याद रखना है, बाकी रिएक्शन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, आपको इतना परेशान नहीं होना है। अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, तो ये देखिए सीधी सी बात है, इसमें आपको रटने वाला काम, इसमें मुझे ज़्यादा कोई समझाने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। एट्थ दे रखा आपको ऑक्सलिक अम्ल से रिएक्शंस। जब ऑक्सलिक अम्ल, तो फॉस्फोरिक क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सलिक अम्ल यूरिया से जब अभिक्रिया करता है तो ऑक्सलिल यूरिया बनता है ना। हमें इतना याद रखना है कि किसकी रिएक्शन हो रही है और उससे क्या बनता है, बस बाकी रिएक्शंस को रटना नहीं है। एल्कोहल से जब यूरिया की रिएक्शन होती है तो एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5ONH बन है, है ना, तो क्या बनता है, एथिल कार्बोमेट बनता है, ठीक है, जिसको हम यूरी थेल के नाम से भी बोलते हैं, है ना। अगली रिएक्शन आपका मेलोनिक एस्टर से अभिक्रिया। देखिए तो ये सब रिएक्शंस हैं कि यूरिया से जब किसी की रिएक्शंस कराते हैं तो हमें क्या बनता है, तो ये याद रखना चाहिए। जैसे याद रखा आपका कि मेलोनिक एस्टर से अभिक्रिया जब होती है यूरिया की तो बारबिट्यूरिक अम्ल बनता है ना, यही पूछेगा कि कौन सा अम्ल बनता है। तो 11th में दे रखा फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया। जब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करता है तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेंजीन के नाम से ये बनता है ना। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट यही कि कौन सी रिएक्शंस होती है वो हमें पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करें यूरिया का उपयोग कहाँ होता है भैया, तो यूरिया का जो उपयोग होता है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के रूप में होता है ना। इससे नाइट्रोजन मिलती है और पता है कि कौन नाइट्रोजन भी होती है, वो 46% होती है। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में अभिकर्मक के रूप में यूरिया का जो उपयोग होता है वो अभिकर्मक के रूप में भी होता है। फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया रेंजिन के निर्माण में, अभी हमने ऊपर 11th वाला पॉइंट देख ही चुके हैं। सम्मोह के निंद्रितकारी औषधियों के निर्माण में, तो इस तरह से यूरिया का उपयोग होता है। अब एग्जाम में देखिए केमिस्ट्री के पॉइंट अभी से पूछेगा ना, तो रिएक्शंस में ही पूछेगा कि यूरिया का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया पे जब हीट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ रिएक्शन होती है तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है और उस बाई प्रोडक्ट पे बाद में आपका यूरिया बनता है। फिर बायूरेट क्या होता है ना, यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज होती है, तो बेसिकली यूरिया से रिगार्डिंग यही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।